जिस तरह से चैप्टर वन से पहले पपी प्ले टाइम का एक कमर्शियल आया था, वैसा ही अब चैप्टर टू के लिए आ चुका है मम्मी लॉन्ग लेग्स का कमर्शियल। लेकिन ये कमर्शियल बहुत ज्यादा अलग है फर्स्ट वाले पपी प्ले टाइम से, क्योंकि यहाँ पर हमको कई सारे हिंट मिलते हैं आने वाले चैप्टर टू से लेकर, और मम्मी लॉन्ग लेग्स को कैसे डिफीट करना है और क्या क्या एबिलिटीज है उसकी, वो सारी चीजें हमको इसी कमर्शियल वीडियो में मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं पपी प्ले टाइम चैप्टर टू के बारे में, जहां पर हम इस नए मम्मी लॉन्ग लेग्स कमर्शियल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो आपका लाइक चंगा सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे ही नए वीडियोस पर रिगार्डिंग पपी प्ले टाइम चैप्टर टू, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। नाउ सिट बैक, रिलैक्स, जस्ट हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले बिग थैंक्स टू आवर चैनल मेंबर्स, एशियन मेंस फैंस, द स्ट्रोक, ग्रीक गॉड, लेथल, क्रेटोस, प्रो गेमर ओजस, एरर एक्स गेमिंग, रेड एंड कैनिबल। अगर आप चाहते हो हमें सपोर्ट करना, तो आप बहुत ही इजी कर सकते हो हमारे चैनल पे दिए गए ज्वाइन बटन से, जहां पे आपको मिलता है हर वीडियो का अर्ली एक्सेस और भी कई सारे बेनिफिट। जस्ट चेक आउट द लिंक बिलो। एंड थग्स गेमिंग, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट, जो कि आपने लिटिल नाइटमेयर्स वीडियो पे किया था, वो मैंने देखा नहीं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं दिख चुका हूं तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है एक स्क्रीनशॉट, जिसके ऊपर मैंने पहले ही एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई है, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। और इसी के बाद से ही हमारा जो मेन VHS मम्मी लॉन्ग लेग्स कमर्शियल है वो शुरू होता है, जो इस बार एकदम रियल ह्यूमन को लेके बनाया गया है। वो 70s के एड जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो मम्मी लॉन्ग लेग्स से खेल रहे हैं और मजे कर रहे हैं, और वो सब एक पार्क में है, और यही पार्क आपको चैप्टर टू के मेन ट्रेलर था वहां पर दिखाया गया था, यानी कि एक प्लेग्राउंड जहां पर ये सब झूले हैं। यहाँ पर हमें मम्मी लॉन्ग लेग्स दिखाया जाता है, जो कि हम ये देख सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक से बना हुआ एक टॉय है, जिसे कि हम जैसे चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं, जहां तक चाहे पुल कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लास्टिक से बना है। और जो जो हमको इसमें सीन दिखाए थे, मेरे ख्याल से वैसे ही हमें इन गेम देखने को मिलने वाला है। वो हमें ऐसे ही हंट करने वाली है ऐसे ही पोजेस बनाकर, जो कि रियलिटी में जब हम देखेंगे गेम के अंदर, तब बहुत ज्यादा खौफनाक लगने वाला है। वहां पर हमें ये भी बताया जाता है कि शी लव्स वॉचिंग यू प्ले, व्हेन यू आर हैविंग फन देन शी इज आल्सो हैविंग फन। तो यानी ये चीज शो हो रही है कि पूरे गेम में वो हमें देख रही थी। आई डोंट नो, वो हमारे जर्नी में अपसाइड डाउन लटकी होगी, जो कि हमें सब कुछ देख रही होगी और मजे ले रही होगी, यही कहना चाह रहे हैं इस मम्मी लॉन्ग लेग्स VHS कमर्शियल में। वही हमें पूरी वीडियो में 2-3 बार पॉपी की वॉइस सुनाई देती है, जो कि कहती है वेक अप। अगर आप इस टीजर को ध्यान से सुनते हो, तब आपको पहले आपके राइट ईयर में, फिर आपके लेफ्ट ईयर में एक बहुत ही कम साउंड में एक वॉइस सुनाई देगी, जो कि बस बोल रही है आपको वेक अप। लॉन्ग लेग्स फ्रॉम प्ले टाइम को। यहाँ पर हमें चैप्टर टू से लेकर कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, इन गेम सीन्स, जो कि देखने में बहुत हॉरिफाइंग है, क्योंकि इस बार चैप्टर टू बहुत डार्क होने वाला है। यहाँ पर हमें एक टॉर्च की जरूरत पड़ने वाली है। जहां तक हमने देखा था चैप्टर वन में, ऐसा कोई भी रूम नहीं था जहाँ पे पूरा डार्क हो, लेकिन इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि हमें टॉर्च की जरूरत पड़ रही है और बाकी पूरा अंधेरा है, पूरा डार्क है। सो यही एक नेक्स्ट लेवल की चीज होने वाली है इस गेम में, जो की रियली बहुत ज्यादा डरावनी होगी। एंड देन हमें एंड में शो होता है पॉपी का फेस, जो कि पहले से ही ब्लेंड हो रहा था हल्का हल्का, और एंड में हमें दिखती है पॉपी, जो कि इस बार एक रीडिजाइंड मॉडल है पॉपी का, लाइक उसके आईज, उसके आईब्रो, उसके लिप्स, और पहली बार हम पॉपी के मुंह से उसकी वॉइस सुनते हैं, जो कि लास्ट में अगेन कहती है वेक अप। जहां पर हमें चैप्टर वन में और चैप्टर टू की ट्रेलर में सिर्फ वॉइस ही सुनाई गई है पॉपी की, हमें उसको बोलते हुए नहीं दिखाया गया। चैप्टर वन में भी जब हम उसको फ्री करते हैं, तब पूरा ब्लैकिश आती स्क्रीन, तब वो बोलती है कि यू ओपन माई केस, यानी हम उसको देख नहीं पाते। चैप्टर टू में वो बहुत कुछ बोलती है, लेकिन वो एक बैकग्राउंड वॉइस होती है। लेकिन यहाँ पर हमें फाइनली दिखा दिया है पॉपी को बोलते हुए, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉपी का जो मॉडल है उसे रिवैम्प किया गया है, रीडिजाइन किया गया है, जो भी इसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो सबको रीडिजाइन किया गया है, रिवैम्प किया गया है। और मेरे ख्याल से यही एक हिंट है कि हमें चैप्टर टू में पॉपी बोलती हुई दिखेगी, ना कि सिर्फ हम उसकी आवाज सुन पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वेकअप ये बोल कैसे रही है,
तो यहाँ पे तो क्लियर है कि ये हो ना हो एक्स एम्प्लॉय को, यानी हमें बोल रही है जो कि इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है, ये उसे बोल रही है वेक अप। मेरे ख्याल से ये चैप्टर 1 जहाँ पर एंड हुआ है, आई डोंट नो कि वहां पर वो मे बी वो फेंट हो चुका होगा जब ऐसा हुआ होगा उसके साथ, और उसके बाद वहीं पर जो डॉल है वो उसे बोल रही है जस्ट वेक अप, या फिर ये एक तरह का डेथ स्क्रीन हो सकता है क्योंकि हमें डेथ स्क्रीन में ही ऐसे शब्द दिखाए गए थे वेक अप करके। तो ये तो कंफर्म है कि जो ये पॉपी है ये बोल रही है एक्स एम्प्लॉय को, लेकिन ये नहीं है कंफर्म कि क्या वो उसे एज अ डेथ स्क्रीन में बोल रही है या फिर उसके दिमाग में घुस के बोल रही है। फिलहाल अगर हमें कुछ मानना हो तो हम लोग इसे एज अ डेथ स्क्रीन बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने पहले की वीडियोस में बताया है कि जो एक्सपेरिमेंट 1006 है उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो माइंड टू माइंड बात कर सकता है, और वैसे ही सेम एबिलिटीज कई और एक्सपेरिमेंट के पास भी हो। तो मेरे ख्याल से मैंने ये भी आपको बताया था कि मेरे ख्याल से वो पापी हो सकती है, वही हमें माइंड के थ्रू हमें ये बता रही है जस्ट वेक अप। वीडियो में हमें बीच में कई सीन मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, जैसे कि ये सीन जहां पर हमें नहीं पता कि प्रॉपर पिक्चर क्या है इसकी, क्योंकि ये मम्मी लॉन्गलेग्स का स्क्रीनशॉट है, लेकिन फेस कहां है और ये क्या चीज है वो हमें नहीं समझ में आ रही है। तो यानी मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि ये एक अजीब सा फॉर्म हो जो कि मम्मी लॉन्गलेग्स का ही हो, और या फिर ये तब हो जाए, तब हमें ये सीन देखने को मिले जब हम इन गेम हम उसे डैमेज कर दें मम्मी लॉन्गलेग्स को, और तब वो अपना रियल फॉर्म दिखाए, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। जहां तक बात करें डिफीट करने की, तो यहां पर हमें दिखाया गया है कि हम मम्मी लॉन्गलेग्स को डिफीट कैसे कर सकते हैं। यहां पर ये शो होता है कि डू नॉट एक्सपोज इलास्टिक प्लास्टिक टू एक्सट्रीम हीट और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो मेरे ख्याल से जो टॉय है वो मर सकता है, और यही चीज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 में, तभी हम इस मम्मी लॉन्गलेग्स को डिफीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो साफ सीधी बात दे रखी है कि हमें उसे हीट से या फिर फ्रीज करके उसे मारना पड़ेगा, मात देनी पड़ेगी, तभी हम इससे बच पाएंगे चैप्टर 2 में। सो रियली ये जो वीएचएस टेप निकल के आई है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्कॉर्ड पे दिए गए बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो कि हैं डायरेक्ट चैप्टर 2 से, बहुत ज्यादा ऑसम फोटोज आ रखी है, और जो इन गेम शॉट निकल के आए हैं चैप्टर 2 से वो बहुत ज्यादा डरावने हैं, और कई सारी नई चीजें ऐड की गई हैं, और बहुत कुछ है बात करने को उनके बारे में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और मेन है बेल आइकन दबाना ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मिलूंगा आपसे एक और जबरदस्त वीडियो में, टिल देन मैं वीके मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।